हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हूँ जो कि बहुत बार मुझसे पूछा जाता है मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर। तो एक तो मैं उसका जवाब दूंगी और दूसरा मुझे कुछ बात भी आप लोगों से शायद करनी थी और उसका सॉल्यूशन आप लोगों से चाहिए था कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिलसिले में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि वो बात जो कमेंट बॉक्स में अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो। मतलब मेरठ ब्लॉगर अनु के नाम से मेरा चैनल का नाम है, तो आप में से काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आप मेरठ में कहाँ रहते हो। तो एक तो मैं उस सवाल का आपको जवाब देने वाली हूँ, दूसरा मेरा काम क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, वो सब आप लोग मेरी वीडियोज़ के थ्रू देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को अपना परिचय देना चाहूँगी। क्योंकि जिस टाइम मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, उस टाइम जो मैंने परिचय दिया था वो मेरा चैनल स्टार्टिंग का परिचय था, लेकिन बीच में जो मेरे साथ चीज़ें हुई उसके बाद जो मेरे चैनल के बीच में चेंजेस आई, वो सब चीज़ें क्यों आई, कैसे आई, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। और तीसरा, जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ उसका सोल्यूशन मुझे आप लोगों के थ्रू चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं मेरठ में कहाँ रहती हूँ। तो देखिए, मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। बहुत ही छोटा सा गाँव था जहाँ पर मैं स्टिचिंग सीखी थी, स्टिचिंग किया करती थी शादी से पहले। बहुत मतलब मेरे पास डिप्लोमा भी है शादी के से पहले का। शादी के बाद में मैंने अपने बच्चों की वजह से अपनी स्टिचिंग को छोड़ दिया। मतलब ये कह लीजिए कि मेरे जो हस्बैंड थे वो बाहर रहने लगे टूर पे, और उसके बाद तीन तीन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, तो मैंने इसीलिए इस बीच में अपने शौक को छोड़ दिया बिल्कुल स्टिचिंग का। मैंने 10-12 साल 15 साल बिल्कुल भी मतलब स्टिचिंग नहीं की, क्योंकि मेरे ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और कहते हैं कि एक माँ ही बच्चे का फ्यूचर बिगाड़ सकती है और एक माँ ही बच्चे का फ्यूचर संवार सकती है। ये बात हकीकत है और 100% सच है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को एग्री भी करते होंगे, तो मेरे साथ भी यही था। मेरे को तीन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हस्बैंड बाहर रहते थे और मदर इन लॉ या किसी का भी घर में मुझे सपोर्ट नहीं था, तो मुझे अपने तीनों बच्चे खुद ही पालने थे। तो इसलिए मैंने अपने स्टिचिंग के शौक को साइड में कर दिया और छोड़ दिया हमेशा के लिए कि मैं शायद दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। लेकिन थैंक्स टू माय डॉटर, मेरी जो छोटी वाली डॉटर थी, उसके कहने पर मैंने अपनी स्टिचिंग को फिर से रिस्टार्ट किया। तो अगर आप भी पहले अपने इस शौक को करते थे स्टिचिंग के तौर पर और आपने वो शौक छोड़ दिया है किसी भी रीजन, चाहे वो फैमिली हो, बच्चे हों या घर की कुछ भी स्थिति रही हो, और उसको फिर से रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप रिस्टार्ट करिए। क्योंकि जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है ना, उसको बाहर लेकर आइए। तो मैं अपनी डॉटर को थैंक्स बोलूँगी, छोटी वाली डॉटर को, जिसने मुझे फिर से रीस्टार्ट करने का मौका दिया या मुझको पुश किया कि मम्मा आप करो। तो आज मेरी छोटी वाली डॉटर सिर्फ 14 साल की है, लेकिन पिछले 3-4 साल पहले ही उसने मुझे इस काम के लिए पुश करना स्टार्ट कर दिया कि मम्मा आप करो, मम्मा आप करो। तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया। आप लोग मेरी पीछे की वीडियोस जाकर देखोगे तो उसमें आपको मिल भी जाएगा, जब मैं अपनी डॉटर के साथ में अपना सिलाई का बोर्ड वगैरह बनवाने के लिए गई थी स्टिचिंग का काम स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने जो स्टिचिंग का काम स्टार्ट करना चाहा था, मैंने सोचा था कि मैं फॉल पीको का ही करूँ, क्योंकि मेरे पास पीको की मशीन थी ऑलरेडी। तो मैंने सोचा मैं फॉल पीको का काम स्टार्ट करती हूँ अपने घर से ही। तो मैंने फॉल पीको का स्टार्ट करना चाहा और उसके रिगार्डिंग मैंने बोर्ड भी तैयार किया, सब कुछ किया, लेकिन शायद कान्हा जी को कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने मुझे अपनी सेवा में लगा दिया। तो मैंने ड्रेसेस का अपना स्टार्टिंग काम स्टार्ट किया और मेरी बनाई हुई ड्रेसेस लोगों को बहुत पसंद आने लगी और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये तो हुई मेरी बात। और मैं मेरठ मतलब मैंने अपना काम स्टार्ट जो किया वो जर्नी मैंने आप लोगों से शेयर करी है। और इसके अलावा मैं मेरठ में कहाँ रहती हूँ, तो मेरी जो शादी हुई है मैं मेरठ में हुई है और मैं मेरठ में रहती हूँ। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे शायद बागपत रोड, नहीं जानते तो मलियाना फाटक के नाम से जानते होंगे
या फिर बागपत रोड के नाम से, जहाँ पर फुटबॉल चौक भी बोलते हैं कुछ लोग, वो एरिया, या फिर मेट्रो मॉल को जानते होंगे, तो उसी के आसपास मेरा घर है। और काफ़ी लोग मेरे पास घर पे भी परचेज़ करने के लिए ड्रेसेस आते हैं, बाकी घर में मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो घर में कोई भी पसंद नहीं करता है घर में आना, तो इसलिए मैं प्रिपेयर करूँगी कि आप लोग घर पे ना आकर प्लीज़ अपना ऑर्डर फ़ोन पर ही बुक कराएं और उसको कोरियर के थ्रू मंगवा लें। अदरवाइज़ अगर आपको घर पे आना है तो आप लोग मुझे कॉल करके बता कर आइएगा, ताकि जब भी मैं सुटेबल हूँ तो मैं आपको बता सकूँ कि आज आप घर आ सकती हो। तो ये चीज़ थी, इसी वजह से मैं ऑनलाइन काम करती हूँ अपना, और ऑनलाइन काम मेरा बहुत अच्छा जाता है, मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और मैं मतलब खुश हूँ अपने काम से, और मैं अपने इस काम को और भी आगे लेकर जाना चाहती हूँ और भी आगे, लेकिन उसके लिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि मेरे बच्चे अभी इस लायक नहीं कि मैं उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकूँ। और मेरे जो दोनों डॉटर हैं उनको अभी स्टडी करनी है, बेटा अभी छोटा है तो उसको भी मुझे टाइम देना है, तो मैं घर से अलग कुछ करने के बारे में सोच नहीं सकती अभी बिल्कुल भी, कि घर से अलग कुछ रूम लूँ या कुछ करूँ, नहीं कर सकती अभी। तो अभी मुझे जितना भी मैनेज हो पा रहा है मैं घर से ही कर रही हूँ, जो भी हो पा रहा है, जैसे भी हो रहे हैं। तो ये बात थी, और मैंने आप लोगों को ये बता दिया। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो बता देना मुझे कि ये आपको क्या करना है, मतलब क्या पूछना है आपको। तो इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती थी। देखिए, मैं अभी ना मशीन पर बैठी हुई थी और मुझे ना कुछ काम करना था, मतलब मेरे को ना दुपट्टे लगा पे स्टिचिंग करनी थी। तो ये मेरी सिलाई मशीन है, पुरानी वाली जो हाथ से चलती थी, जो नॉर्मल सभी के घरों में होती है, नॉर्मल उषा की मशीन थी, मेरी शादी की मशीन थी, और इसको लगभग 16 साल हो चुके, 16 साल तक मैंने खूब इसको यूज किया, और जितना भी मैं काम करती थी शादी से लेके अब तक का सारा इसी मशीन से काम करती थी। और इस मशीन को मैंने पैरों के ऊपर रखा हुआ था, जो छोटे वाले पैर आते हैं उनके ऊपर। अब मेरा स्टिचिंग का काम इतना ज़्यादा था कि इसके क्या है, पुर्जे घिसने लगे। अब बार बार जब भी मैं इसको लेकर जाती थी वहाँ पर दुकान पर ठीक कराने के लिए, तो वो हर बार इसमें 200, 400, 500 रुपये लगाने के लिए बोल देता था कि आप इसमें ये पुर्जा घिस गया, अभी इसमें ये पुर्जा घुस गया है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर जब भी कभी आप स्टिचिंग का काम कर रहे हो और इस तरह से छोटी मशीन को यूज करें, तो उसे पैरों के ऊपर यूज ना करें, क्योंकि पैरों के ऊपर रख के इनके पुर्जे बहुत जल्दी घिस जाते हैं। बाकी मैंने 15-16 साल यूज किया है तो मुझे पता है कि हाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, चलाते रहो चलाते रहो। देखो, 100-200 रुपये तो लगाने ही पड़ते हैं जब 2-3 महीने आप काम कर लिया तो उसके बाद में। इसके अलावा उसके बाद जब मेरी मशीन में इसमें काफ़ी दिक्कतें होने लगी, तो मैंने ख़रीदी थी एक इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रिक खरीद लो, पैरों में दर्द हो जाता है इसे चलाते चलाते, बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इनका चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पैरों की मशीन ख़रीद लेती हूँ, मतलब वो इलेक्ट्रिक वाली। मैंने इलेक्ट्रिक मशीन ख़रीदी, और इलेक्ट्रिक मशीन यकीन मानिए मैंने महीना भर भी यूज नहीं की थी, 15 दिन भी यूज नहीं की थी, बट मुझे वो ठीक नहीं लगी। पहली बात तो वो इलेक्ट्रिक थी, वो बिजली से चलती थी, उसके लिए ताम झाम बहुत ज़्यादा फैलाने पड़ते थे। दूसरी बात, वो लाइट नहीं आने पर उस पर हम काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी बिना लाइट के। तीसरी बात, उसको जिससे हमारा छोटा छोटा काम होता है उस पर हमें बार बार रोकनी पड़ती है मशीन को, उसमें क्या वो पैंडल से चलती थी तो वो एकदम से भागती थी फास्ट, उसकी स्पीड हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से मुझे वो मतलब ठीक नहीं लगी अपने पर्पस से, अपने काम के पर्पस से। मतलब जिन लोगों का बहुत बड़ा बड़ा काम होता है, जैसे स्टिचिंग का बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बड़ा काम, जैसे कि लंबी सिलाई लगानी है या कुछ करना है, तो उनके लिए तो ठीक है, बट मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि उसमें एक तो आवाज़ बहुत आती थी, शोर बहुत आता था उसके अंदर। तो मैंने वो हटा दी अपने पास से, मतलब मैंने वो अपनी सिस्टर को दे दी थी, मेरी सिस्टर ने ले ली थी वो मशीन, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आई थी। और उसकी मैंने वीडियो भी डाली थी शायद, आई थिंक अपने दूसरे वाले चैनल पर डाली थी, कान्हा ड्रेस क्रिएशन जो चैनल है उस पर डाली थी उसकी वीडियो भी मैंने, जब वो परचेस की थी, या फिर इस पर डाली हो, मुझे याद नहीं, शॉर्ट वीडियो के थ्रू डाला होगा, याद नहीं है। इसके अलावा फिर मैंने एक ख़रीदी मशीन, पैरों की अम्ब्रेला मशीन जिसको बोलते हैं, वो देखिए
मेरी अम्ब्रेला मशीन, ये मेरी अम्ब्रेला मशीन है पैरों की, इसको मैंने ख़रीदा था अभी, मतलब ये लगा लीजिए मैंने ख़रीदा था दिसंबर में। पुरानी मशीन ख़रीदी थी पैर, लेकिन मैंने इसके नए ख़रीदे थे। मशीन भी मेरी फ्रेंड की थी, उनके यूज नहीं हो रही थी तो उन्होंने मुझे दे दी थी। उसमें जो भी पैसे लगे वो मैंने लगा दिए थे और उनको बाकी का अमाउंट दे दिया था जितने की उन्होंने मुझे मशीन दी थी, और पैर मैंने जबकि नए ख़रीदे थे। अब ये मशीन मतलब पिछले लगा ली 7-8 महीने से मैं नॉन स्टॉप इसको चला रही हूँ, लगातार चला रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बल्कि इन छोटी वाली मशीनों से बेस्ट मशीन रहती है ये, जो छोटी वाली मशीन होती है ना, इनमें क्या पैरों में दर्द होने लगता है क्योंकि बहुत टाइट चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा हल्की नहीं चलती, बहुत ज़्यादा टाइट चलती है, इनमें जोर लगाना पड़ता है पैरों में। बल्कि अम्ब्रेला मशीन में हमें इतना ज़्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरी बात, आवाज़ बहुत कम आती है उसमें, आवाज़ नहीं आती है बिल्कुल भी, बहुत आराम से आप उस पर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ईजीली आप काम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 दिन से क्या हुआ है, और जो मेरी प्रॉब्लम्स का कारण है, जो मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों से चाहती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। तो जब मैंने ये वाली मशीन ख़रीदी थी अम्ब्रेला वाली, तो मैंने यही सोच के ख़रीदी थी कि मतलब मैं इस पर अच्छे से काम कर पाऊँगी, और मैं पिछले 8 महीने से अच्छे से काम भी कर रही हूँ इस पर, 8-9 महीने से मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इस पर काम करने में। लेकिन अभी कल क्या हुआ, कल हमारा एसी ख़राब हो गया था। तो जो एसी ख़राब हुआ था, तो हमने एसी वाले को बुलाया था एसी ठीक करने के लिए, वो ऊपर एसी लगा हुआ है ना, उसको हमने ठीक करने के लिए बुलाया था एसी वाले को। तो एसी वाले ने हमें जो बताया उसकी वजह से मैं शॉक्ड रह गई। एसी हमारा पूरा चॉप्ड हो चुका था, पूरा का पूरा मतलब ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से वो कूलिंग नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि इसकी आपको सफाई करानी पड़ेगी एसी की, क्योंकि वो चॉप हो चुका है। तो हमने बोला कि भैया इस साल में मतलब इस सीज़न को गए अभी, मतलब ये लगा लीजिए मार्च के बाद में हम लोग एसी स्टार्ट करते हैं, अप्रैल से लगभग, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर चल रहा है, 6 महीने के अंदर हम 2-3 बार क्लीनिंग ऑलरेडी इसकी करा चुके हैं, तो अब फिर से मतलब इसमें। तो उन्होंने बोला कि आपके कमरे में इतनी डस्ट आती कहाँ से, आप ये बताइए आपके रूम में इतनी डस्ट कहाँ से आती है, आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें डस्ट उड़ती हो या गंदगी होती हो, बंद रूम के अंदर तो इतनी धूल मिट्टी आने का मतलब ही नहीं है। तो मेरे मुंह से निकल रहे कि मैं स्टिचिंग करती हूँ रूम में बैठ के। तो उन्होंने बोला बस, तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके एसी पर डस्टिंग जमती है। तो मैं शॉक रह गई, इसकी वजह से मुझे हस्बैंड ने काफ़ी डांटा, बहुत डांटा कि तुम मशीन का काम इस रूम में बैठ के नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे मशीन का काम इसी रूम में बैठ के करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, सब चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से देख पाती हूँ अगर इस रूम में काम करती हूँ तो, सब चीज़ें। बट हस्बैंड ने मना कर दिया कि इस रूम में बैठ के आप काम नहीं करोगे, क्योंकि डस्टिंग उड़ती है, धूल मिट्टी उड़ती है, सब चीज़ें होती है, एसी में प्रॉब्लम होती है, और बिना एसी के काम करना गर्मियों में बहुत मुश्किल है आज की डेट में। तो मैं ये सोच रही थी अब मैं क्या करूँ। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, तो एक मशीन होती है इंटरेस्ट, ये कौन सी बोलते हैं उसको, जैक की मशीन होती है जो कि इंटरेस्ट उसमें यूज की जाती है, फैक्ट्री वगैरह में भी यूज होती है, और काफ़ी ब्यूटिक वाले भी उसको यूज करते हैं मशीन को। तो जैक की मैंने मशीन देखी थी, वो आई थिंक 22,000 से 25,000 के बीच में वो मशीन आती है। तो उसमें क्या होता है, एक ऑयल का टैंक होता है नीचे, जिसकी वजह से क्या, जो धूल मिट्टी सब कुछ होती है ना मशीन की, वो उसी टैंक के अंदर रह जाता है, ऑयल टैंक के अंदर, और वो बाहर की तरफ नहीं होता है। और वो मशीन मतलब मैं सोच रही थी लेने के लिए, तो बट मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो मशीन मैं लेती हूँ तो वो मशीन मैं यहाँ नहीं सेट कर पाऊँगी इस कमरे में, क्योंकि ये वो मशीन काफ़ी बड़ा साइज में होती है, बड़े साइज में होती है वो मशीन, तो वो मशीन इस रूम में तो सेट नहीं हो पाएगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है वो मशीन फिर भी मुझे उसी रूम में सेट करनी पड़ेगी। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ख़रीदूँ वो वाली मशीन या नहीं ख़रीदूँ। आप लोग मुझे सजेशन देना, मुझे वो ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तो महीने भर बाद तो एसी भी बंद हो जाएगा इस रूम में, क्योंकि अब सर्दियाँ आ जाएंगी, और अभी मशीन ख़रीद लूँगी तो फिर वही सर्दियों में तो वैसे भी मशीन का मतलब ये वाली चलाऊँ या वो वाली चलाऊँ कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो लेकिन ये सोच रही हूँ कि मतलब उसको फिर मैं अभी परचेज़ करूँ या फिर आफ्टर
होली परचेस करूँ। अब मुझे ये कन्फ्यूजन हो रहा है, वो मशीन मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, आप लोग मुझे सजेशन दीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो जाते हैं, और मैं ऑलरेडी सभी तरह की मशीन चलाकर देख चुकी हूँ। हैंड मशीन भी मेरे पास है, अम्ब्रेला मशीन भी है, इलेक्ट्रिक मशीन भी मैंने परचेस करके देख ली। अब मेरा जैक मशीन का मन हो रहा है कि मैं खरीद लूँ या नहीं खरीदूँ, क्या मेरे लिए वो बेस्ट रहेगी नहीं रहेगी, तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिएगा। तो बस यही मुझे आप लोगों से पूछना था, और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी आइडिया हो, कोई भी सजेशन, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। और मैं मेरठ में कहाँ रहती हूँ वो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो गया है वीडियोज़ में, वो आप देख लीजिएगा, जाके चेक कर लीजिएगा, जैसे भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो राधे राधे, हरे कृष्ण।